इंडिया ने एक और जिसे कहते हैं टेस्ट किया है, और ये बहुत बड़ा टेस्ट है। उन्होंने एक अग्नि 5 बिलिस्टिक मिसाइल जो जिसकी रेंज 5,000 किलोमीटर है, 5,000 किलोमीटर जो है, अगर इंडिया से आप शुरू करें ना जी, तो आप चाइना भी क्रॉस कर जाते हैं, आप तो जापान के पास चले जाते हैं, इवन वो ऊपर जो है वो रशिया तक चला जाता है। मेरे लिए एक लम्हा फिक्रिया आलिया ये है कि चाइना उसको काउंटर करने के लिए कोई ग्रुपिंग क्यों नहीं कर रहा। ऑब्वियसली ये किसके लिए मैसेजिंग है? जब भी कोई मुल्क टेस्ट करता है, न्यूक्लियर टेस्ट करता है, मिसाइल टेस्ट करता है, तो उसका कोई ना कोई टारगेट होता है। ये कहा जा रहा है कि इसका जो टारगेट है वो चाइना है। यही करना था तो दुनिया में जग हसाई की क्या जरूरत थी, दुनिया को गलत मैसेज देने की क्या जरूरत थी, अमित शाह साहब से इतनी इतनी थ्रेट लेने की क्या जरूरत थी। दिस टेस्ट ऑफ इंडिया इज अ वेरी वेरी सीरियस फॉर चाइना, एंड जैसे मैंने कहा इंडिया इज डूइंग इट फ्रॉम मल्टीपल लेंस से काम। इंडिया ने एक और जिसे कहते हैं टेस्ट किया है, और ये बहुत बड़ा टेस्ट है। उन्होंने एक अग्नि 5 बिलिस्टिक मिसाइल जो जिसकी रेंज 5,000 किलोमीटर है, और ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बिलिस्टिक मिसाइल है, और ये आप वो लोग कहते हैं इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई है। इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसको जो है वो टेस्ट किया है, उन्होंने इसके बारे में बताया है मीडिया को। ऑब्वियसली ये किसके लिए मैसेजिंग है? जब भी कोई मुल्क टेस्ट करता है, न्यूक्लियर टेस्ट करता है, मिसाइल टेस्ट करता है, तो उसका कोई ना कोई टारगेट होता है। ये कहा जा रहा है कि इसका जो टारगेट है वो चाइना है, और क्योंकि चाइना बहुत बड़ा मुल्क है, और पाकिस्तान के हवाले से तो इंडिया को उस तरह जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले बहुत सारे जो टेस्ट किए हुए हैं, लेकिन ये चाइना के हवाले से है, और जो LAC के ऊपर सिचुएशन है के साथ, इसी अग्नि 5 के साथ साथ इंडिया जो है उसने एक एक्सक्लूसिव क्लब जो है वो कंट्रीज का ज्वाइन कर लिया है, जिसमें चाइना, अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस जो है वो मालिक है। सो ये नॉर्मली एक बड़ी डेवलपमेंट है इंडिया के हवाले से अगर देखा जाए, क्योंकि इंडिया को अब एक 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 प्रेस्टीजियस क्लब में वो चला गया है इसकी वजह से। अच्छा, मजे की बात यह है कि इसमें इस टेस्ट में वो कह रहे हैं कि जी जो जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की स्टेटमेंट है कि जी इंडिया की जो स्टेटेड पॉलिसी है क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस यही होती है दोस्तों के हम एक वो थ्रेशहोल्ड किसी को क्रॉस नहीं करने देंगे, और जो क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस है इससे मुराद यह है कि हम तब तक शायद यूज नहीं करेंगे जब तक अगला शायद यूज ना करे। हालांकि पाकिस्तान भी यही कहता है, लेकिन पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है ना वो फर्स्ट यूज की है, इंडिया की नो फर्स्ट यूज है। कि इंडिया ने ये क्यों जो है वो टेस्ट किया, और ये क्यों इस चीज में क्या कि जी हमें इस तरह का टेस्ट करना चाहिए, या ये जो चीज है ये क्यों की जाती है? देखिए, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर एक सवाल किया जाता है कि चाइना के लिए तो किया, चाइना अब आपको पता है हाइपरसोनिक मिसाइल्स के देश में है, क्योंकि इंडिया भी है, रिसेंटली एक US कांग्रेस की रिपोर्ट भी आई है। अब देखना यह है कि बहुत सारे ममालिक के बहुत सारे मसले होते हैं। मुझे ऐसे लग रहा है ये जो अग्नि 5 मिसाइल है ये प्रेस्टीज फैक्टर भी है इंडिया के लिए और सिक्योरिटी फैक्टर भी है। इसमें जो नेशनल सेल्फ इमेज होता है एक स्टेट का इमेज होता है कि भाई देखिए वी कैन मेक इट, वी कैन डू इट, वी हैव द पावर टू डू इट, चांद पे जाना है हमने, मार्स पे जाना है हमने, ये करना है। जैसे UAE कह रहे हैं कि जी हम मार्स पे जा रहे हैं, इंडिया कह रहा है जी हम चांद पे जाना चाह रहे हैं। ये जो एक एस्पिरेशन है, ये एक नेशनल सेल्फ इमेज या जिसे इमेज कहते हैं, ये वो है। लेकिन इसके साथ साथ ये दिस इज ऑल्सो अबाउट सिक्योरिटी। हम ये नहीं कह सकते कि ये सिक्योरिटी, एंड देन यू ऑल्सो वॉन्ट टू शो योर टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी भी आप बताना चाह रहे हैं। अब देखें कि बहुत सारे इस वक्त दुनिया में 44 ममालिक ऐसे हैं मेरा ख्याल है जिनके पास जो कैपेबिलिटी है कि वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी रखते हैं, नॉट इन टर्म्स के वो वेपन्स बना सकते हैं, लेकिन वो जो एक सिविल न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है वो रखते हैं। और मजे की बात है कि ये इंडिया को भी अमेरिका ने ऑफर की, और जिस तरह ऑफर की 2006-7-8 में आप चले जाएं तो वो जो वक्त था वो पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल था, क्योंकि पाकिस्तान को अमेरिका ने बाईपास कर दिया, हमें वो सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का जो मुआहदा है वो हमारे साथ नहीं करते थे, अमेरिका के साथ, इंडिया के साथ उन्होंने कर लिया, जिसका पाकिस्तान ये कह रहा था कि जो NPT है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, आप इसकी वायोलेशन कर रहे हैं। पाकिस्तान पे वो इल्जाम लगाते थे जी आपका तो
न्यूक्लियर प्रोग्राम सेफ हैंड्स में नहीं है, अब्दुल कदीर वाला वाकया हो चुका था, फिर टेररिज्म बड़ी राइज पे थी, तो वो और एंगल से देख रहे थे पाकिस्तान को, वो बिल्कुल एक और एंगल से देख रहे थे कि भाई इनको तो नहीं देना ही नहीं है ना, जो मर्जी कर ले पाकिस्तान, इनको नहीं देना। फिर अगर पाकिस्तान के किसी भी एरिया से अगर हम मैक्सिमम टारगेट करें तो दैट गोज 2750 किलोमीटर। इंडिया जो है अगर वो अपने साउथ में चला जाए और अपने नॉर्थ में आ जाए, ठीक है जी, विद ऑल दैट मिलिट्री विद ऑल दैट मिसाइल कैपेबिलिटी दे हैव, सो इससे ही अगर आपको ये लगेगा कि इंडिया कितने बड़े पैमाने पे चीजों को सोच रहा है। एंड अग्नि 5 ये भी 5000 से 8000 किलोमीटर है, और सुना है कि अग्नि 6 भी बन रहा है, दैट इज अगेन सर्विस टू सर्विस बैलिस्टिक मिसाइल। अच्छा, ये जितनी अग्नि की सीरीज है स्टार्टिंग फ्रॉम अग्नि 1 टू अग्नि 6, दिस इज सर्फेस टू सर्फेस बैलिस्टिक मिसाइल, और जो अग्नि 6 है दैट गोज टू 8000 टू 12000 किलोमीटर। अब आप इमेजिन कर लेंगे दैट गोज बियॉन्ड चाइना। सो इट मींस कि ये जो एक किसी नेशन की वो जो एक स्पिरिट है, दे आर लुकिंग इनटू दी कि हमें हमें आगे जाना है, वो दे आर थिंकिंग इन अ डिफरेंट वे। अच्छा, उसमें जारी बात है कि स्टार्टिंग आप अगर 10000 किलोमीटर तक आप जा रहे हैं, 5000 किलोमीटर जो है अगर इंडिया से आप शुरू करें ना जी, तो आप चाइना भी क्रॉस कर जाते हैं, आप तो जापान के पास चले जाते हैं, इवन वो ऊपर जो है वो रशिया तक चला जाता है इंडिया, ठीक है जी, आर्कटिक ओशन तक चला जाता है इंडिया। और ये जो चीज है ये ऑब्वियसली इस चैलेंज, 3000 किलोमीटर तक बड़े आराम से चाइना में चले गए, 2000 भी बॉर्डर लगता है ना जी, तो जल्दी से वो 60 किलोमीटर वाला जो है वो अस्त्रा वो भी जा सकता है इंडिया चाइना के अंदर। लेकिन ये आप देखें अगर 5000 किलोमीटर वाला है तो इट कवर्स ऑल द स्पेक्ट्रम्स, और हम तो बिल्कुल उनकी रेंज में। सो टेक्निकली दिस इज ऑल अबाउट चाइना, ये चाइना की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान इज आउट ऑफ इट, बिकॉज जैसे मैंने पहले कहा था आपको कि वो जो मिसाइल बना रहे हैं जो उनके पास ऑलरेडी है, हम तो उनकी रेंज में है। सो के दो क्वाड बने, एक पहला क्वाड था जिसमें इंडिया, अमेरिका और जापान और ऑस्ट्रेलिया था, लेकिन दूसरा क्वाड बना इजराइल का, दुबई का, यूएई का, और उसके बाद इंडिया और अमेरिका। मेरे लिए एक एक लम्हा फिक्रिया आलिया ये है कि चाइना उसको काउंटर करने के लिए कोई ग्रुपिंग क्यों नहीं कर रहा, ये एक लम्हा फिक्रिया है। पाकिस्तान भी उस ग्रुपिंग का हिस्सा होना चाहिए मेरे ख्याल में, ऐसे बैठे रहने से तो बिल्कुल हालात निकलते जाएंगे। और उस पिछले क्वाड की वजह से मैं एक और जो मेरी नजर में दो चार चीजें पाकिस्तानी मीडिया ने बिल्कुल नजरअंदाज की जो अच्छी बात नहीं है, एक तो अमित शाह की जो स्टेटमेंट थी उसको आपने नजरअंदाज किया, दूसरी बैकस्टैबिंग जो है वो यूएई ने की है दुबई जाके कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की, इसको भी आपके मीडिया ने बिल्कुल नहीं उठाया। आपके अंदर इस वक्त टीएलपी और डीजीआईएसआई की वजह से मेरे ख्याल में और महंगाई की वजह से आप जो है वो बिल्कुल ही आपके इंटरनल मैटर्स ठीक हो तो फिर एक्सटर्नल मैटर्स पे कोजो जाती है। इंटरनल मैटर्स का तो आप हाल देख लीजिए ना, खैर अल्लाह अल्लाह करके डीजीआईएसआई का जो मामला है वही हुआ, वही जो एक नाम था उसी को अब फाइनल कर लिया गया, और वो 20 जो है 20 तक जनरल फैज रहेंगे, उसके बाद जो है वो यही करना था। तो दुनिया में जग हसाई की क्या जरूरत थी, दुनिया को गलत मैसेज देने की क्या जरूरत थी, अमित शाह साहब से इतनी इतनी थ्रेट लेने की क्या जरूरत थी। मेरे लिए आज बिल्कुल अभी तक मुझे समझ नहीं आई कि इससे वो कहते किसने क्या हासिल किया, मुझे नहीं पता। मुझे जो जाती तौर पे लगता है यहाँ बैठ के कि शायद लोगों की महंगाई से तवज्जो हटाने के लिए खबरें क्रिएट की जा रही हैं या एक कोई ऐसा प्लानिंग हो रही है, लेकिन दे आर फेलिंग इन इट, जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी इसकी रीजन होगी, बट दे आर फेलिंग इन इट। कौम बिल्कुल इस वक्त नर्वस और नम हो चुकी है कुछ महंगाई और आपकी। देखिए मुझे एक, मैं यहाँ पे हवाला जरूर देना चाहूंगा आपके देखने वालों को, मुझे जावेद चौधरी साहब का आर्टिकल बड़ा अच्छा लगा अगले दिन, मैं आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हिम, लेकिन उन्होंने अगले दिन कंपैरिजन अपने आर्टिकल में किया करप्ट गवर्नमेंट्स का और बेवकूफ नाअहल अनक्वालिफाइड गवर्नमेंट, और उन्होंने बिल्कुल उसमें अच्छे दलाइल दिए। उन्होंने कहा जो करप्ट गवर्नमेंट्स थी पिछली दो, वो आज के नाअहल और बेवकूफ जो स्टेप्स हैं पॉलिसी से अच्छी थी।